टाइगर श्रॉफ एंड कृति सेनन को क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? नहीं, केमिस्ट्री अच्छी थी, कृति सेनन का रोल कम था लेकिन अच्छी थी। और कितना एंजॉय किया अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में, चाहिए उनके अमिताभ बच्चन का भी रोल कम था, कैमियो था। उनके डायलॉग कौन से आपके सबसे अच्छे लगे? फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ? फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट रोल था अमिताभ बच्चन का। एंड योर ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? आइए देखिए, पिक्चर देखिए, मनोरंजन है और कुछ नहीं। अमिताभ बच्चन भी और कृति सेनन बहुत अच्छा काम है सबका, सबका अच्छा काम। 5 में से कितने स्टार? 4 मैम, 4। थैंक यू सो मच। कौन सी फिल्म देखकर आ रहे हैं आप? मैंने गणपत देखी। मैं गणपत देखी। कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म मुझे ठीक लगी, बट ये है कि टाइगर को अपने इमोशंस पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए था। डांस उनका और स्टंट ये सब काफ़ी ठीक है, एक्शन, बट उन्हें इमोशंस पे अपने ज़्यादा वर्क करना चाहिए। जैसे ऋतिक की मूवी सुपर 30 थी ना, उन्होंने अपने इमोशन पे पूरा वर्क किया था। इनको एक ऐसी मूवी लानी चाहिए जो जो अपने पूरा इमोशन पे वर्क करें। डांस और एक्शन हाँ इनका बेस्ट है, बट इमोशंस ही चलता है। कृति सेनन का तो काफ़ी अच्छा, उनका इमोशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो कृति सेनन का हाँ अच्छा था। बस ये टाइगर को थोड़े इमोशंस पे अपने वर्क करने चाहिए। और ये है कि इसकी पार्ट टू जैसे इसका ये है, बट ये है कि इतना हाइप नहीं बना पाएगी ये, जैसे KGF बाहुबली का था कि हाँ पार्ट टू आएगी, वेट कर रहे हैं सब, हाइप बनेगा, बट इसका नॉर्मल था, ठीक ठाक था। बहुत अमिताभ बच्चन का बहुत शॉर्ट रोल था, ऐसा कुछ नहीं, बट अमिताभ तो अमिताभ बच्चन जी तो लीजेंड है, उनका आप जानते हैं, तो वो अपना परफेक्ट देख के जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दोनों बराबर ही थी, लेकिन सेकेंड जैसे सेकेंड हाफ ज़्यादा ठीक थी क्योंकि उसमें एंड था और कुछ ज़्यादा नहीं था। हम 3 स्टार और इमोशन पे वर्क करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। फिल्म देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अमेजिंग। बहुत टाइम के बाद एक साथ नजर आए, उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? हीरोपंती से कहीं ज़्यादा अच्छी लगी इसमें केमिस्ट्री, और स्पेशली जो निगेटिव किरदार टाइगर ने निभाया कृति के साथ, वो बहुत अच्छा था। जैसे कि हम जानते हैं टाइगर डांसिंग एंड मास्टर में ज़्यादा फेमस है, तो उनके दोनों रोल देखने को मिले आपको इस पार्ट में? बिल्कुल, और वही देखने के हम लोग आए हैं कि डांस और मार्शल आर्ट ही देखना था टाइगर का। सबसे अच्छा सॉन्ग कौन सा लगा आपको? जय जय श्री गणेश जो लास्ट सॉन्ग है वो सबसे अच्छा था। इसमें अमिताभ बच्चन का भी रोल है, उनके रोल आपको कैसे? वही बात है, लेजेंड आदमी है, कितना भी बोलो उनके बारे में कमी हो, कुछ भी बोलेंगे कमी है, कुछ भी हो, सेकंड हाफ ज़्यादा इन्जॉय है क्योंकि उसमें जो वो निगेटिव किरदार है वो बहुत अमेजिंग है। ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी है? ऑडियंस को कहूँगा आए, बच्चों को लेके आए, क्योंकि फैमिली मूवी है, बच्चों के लिए जितने भी हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है टाइगर आज का, तो सब आए देखें फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली मूवी है। 3.5 बस, थोड़ा VFX की वजह से थोड़ा 1.5 कटा है। बाकी इस फिल्म में एक और लास्ट में दिखाया गया कि सेकंड पार्ट भी आ सकती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सेकंड पार्ट के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, एक्सपेक्टेशन है सेकंड पार्ट उस इससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि जो उसमें दिखाया है अभी जो वो विलेन जो उसमें टाइगर ही दिखाया है कि वो उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसमें ऐसा क्या है, वो बहुत ज़रूरी है, वो देखना है। थैंक यू सो मच। फिल्म मुझे वन टाइम वॉच बोल सकते हैं, आउट एंड आउट एक्शन मूवी है, और मतलब ये मूवी का ज़्यादा प्रमोशन और हाइप भी नहीं हुआ, मुझे लग रहा था कि मतलब काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि आज रिलीज़ होने वाली है, तो ये मुझे थोड़ी मायूसी हुई। अमिताभ बच्चन है मूवी में, तो मूवी का और मुझे लगता है प्रमोशन होना चाहिए था। और ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वन टाइम वॉच, मतलब एक्शन सीन्स अच्छे हैं, VFX और अच्छे हो सकते थे, और प्लॉट थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, तो वो भी और थोड़ा सा स्टोरी को ग्रिपिंग बना सकते थे स्क्रीन पे, क्योंकि विकास बहल है डायरेक्टर, जिन्होंने क्वीन मूवी डायरेक्ट की थी, सुपर 30 ऐसी मूवीज बनाई हैं उन्होंने, तो उनसे काफ़ी अपेक्षाएं थी, तो अपेक्षाएं पे उतनी नहीं खुरी खरी हो रही, बट टाइगर श्रॉफ एक्शन के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने एक्शन सीन्स बहुत अच्छे से परफॉर्म किए जो भी टाइम से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्टनिंग केमिस्ट्री है, और दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे। और कृति सेनन तो अभी अपकमिंग एक्ट्रेस है, उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है मीमी मूवी के लिए, तो वो तो बहुत ही अच्छा अपना जो भी रोल है बहुत अच्छे से निभाती हैं, चाहे वो एक्शन मूवी हो, रोमांस हो, ड्रामा हो, थ्रिलर हो। और टाइगर श्रॉफ तो आउट एंड आउट एक्शन कमर्शियल मूवी करते हैं, तो उनकी भी लास्ट कुछ मूवीज उतनी कामयाब नहीं हुई, बट ये मूवी में उन्होंने अपना रोल गणपत का बहुत अच्छा निभाया। ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मूवी कैसी? मूवी ठीक है, देखिए एडिटिंग भी बिल्कुल शार्प है, 2.25 घंटे की मिली थी, सोनी की एडिटिंग ठीक है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुधाकर रेड्डी अंकंटी की, और डायरेक्शन भी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं VFX मुझे थोड़े कमज़ोर लगे और प्लॉट थोड़ा प्रेडिक्टेबल लगा, तो अगर थोड़ा और स्क्रीन प्ले को एंगेजिंग बना देते तो और अच्छी बन सकती थी, बट डेफिनेटली वन टाइम वॉच। मैं 2.5 से 3 स्टार तक दे सकता हूँ, इट्स अ वन टाइम वॉच। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। ओके सो गाइस, आप लोगों ने गणपत फिल्म देखी, कैसी लगी फिल्म आपको? अच्छी मूवी है, मतलब देखना चाहिए सबको। इतना बहुत बहुत ही हार्ड लगा हम लोगों को, अच्छी है देखने से। सब आओ, सब देखो। थैंक यू। और कृति सैन एंड टाइगर श्रॉफ को बहुत टाइम के बाद एक साथ, केमिस्ट्री आपको कैसी लगी दोनों? हां, वो फर्स्ट हीरो बनते के बाद अभी बहुत थोड़ा अपडेटेड केमिस्ट्री लग रहा है, बहुत अच्छा है। ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? डिस्टोपियन फ्यूचर के ऊपर मूवी है, मतलब नया कुछ यूज किया है तो सबको देखनी चाहिए। मतलब अच्छी है, एक्शन अच्छा है, रोमांस कॉमेडी भी है थोड़ा बहुत। 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 स्टार। थैंक यू सो मच। फिल्म कैसी लगी आपको? गणपत मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बेहतरीन मूवी। उसमें टाइगर श्रॉफ है, कृति सनन है, दोनों की बॉन्डिंग की बात करूँ तो दोनों एक और बार फिर से देखने मिल रहे हैं। हीरोपंती में भी काफ़ी अच्छा एक्टिंग किए थे दोनों, काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था। इस बार भी काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग लगा मुझे। ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कौन सा ज़्यादा इंटरटेनिंग रही आपके लिए? मुझे तो, मैं बात करूँ ना बहुत स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी में वो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। क्योंकि टाइगर श्रॉफ का मुझे डांस बहुत अच्छा लगा, वो फाइटिंग तो कमाल का है, वो जो बॉक्सर है ना, जो फाइटिंग कर रहा है ना, कमाल का लगा। अमिताभ बच्चन का भी इस फिल्म में रोल है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? अमिताभ बच्चन तो लेजेंड है, उनका ज़्यादा सीन नहीं है, छोटा सा सीन है, लेकिन वो एक छाप छोड़ के चले गए। बहुत बेहतरीन मूवी है, बहुत पसंद है। ओवरऑल स्टोरी की बात करें, ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी है फिल्म? ऑडियंस को देखनी चाहिए, ऐसी मूवी बहुत कम बनता है भारत में, और बहुत बेहतरीन मूवी है। खासकर टाइगर श्रॉफ है, अमिताभ बच्चन भी है, कृति सनन भी है, तो ऑडियंस को जरूर देखनी चाहिए मूवी। 5 में से कितना स्टार देंगे सर? मैं 5 में से 3.2 स्टार देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। गणपत फिल्म देखकर आ रहे हैं आप, कैसी लगी फिल्म आपको? मुझे, मैं आपको बताऊँ कि गणपत फिल्म बहुत अच्छी थी, और उसके जो CGI और टाइगर श्रॉफ जी के जो एक्शन थे वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। क्योंकि आप वॉर के उसमें देखोगे ना तो उनके एक्शन इस बार बहुत अच्छे थे, और कृति सेनन मैम जो है इस बार उन्होंने भी एक्शन किया और बहुत अच्छा एक्शन किया, और फ्यूचर ऐसे फिल्म है तो मुझे बहुत पसंद आई है। मैं अगली बार भी आऊँगा तो मेरे दोस्त लोगों को लेके आऊँगा कि मुझे अच्छी लगी है, मेरे दोस्त लोगों को भी अच्छी लगे। एक्शन फिल्म के मामले में हम दोस्त लोग एक जैसे ही हैं। सो सर, हमें जानना चाहेंगे ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कौन सा ज़्यादा इंटरटेनिंग रही आपके लिए? मेरे को ना सेकेंड हाफ अच्छी लगी, उसके बाद जो एक्शंस आए टाइगर सर के बहुत सही आए, और आपको स्टोरी भी जब समझेगी तो आपको भी अच्छी लगेगी मूवी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी है, आप आओ और आप देखो कि आपको भी पसंद आएगी मूवी, कि मूवी बहुत अच्छी है। ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी है फिल्म, थिएटर में आने चाहिए कि नहीं? पैसा वसूल? बहुत पैसा वसूल है, आप आओ और देखो, जब आपको मालूम पड़ेगा मैं बोलूँगा आपको लगेगा कि सही नहीं है, आप आके देखो तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छी मूवी और पैसा वसूल है। मैं बोला हूँ ना आपको, मेरे फ्रेंड्स लोग को भी लेके आऊँगा। 5 में से कितने स्टार देना पसंद करेंगे? 4.5 के, बहुत सही मूवी है और उसके CGI भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गणपत टाइगर सुपर्ब, ये एक वर्ड में बोल सकते हैं। सब अच्छे थे, एक्टिंग वाइज सब अच्छे थे, मैच्योर्ड एक्टर है सभी के सभी, तो फिर हम खराब नहीं बोल सकते उनको, सभी के सभी अच्छे एक्टर्स हैं और एक्टिंग अच्छा की है उन्होंने सभी। कहानी की बात करें, कहानी में मुझे नहीं लग रहा है कि दम है, सच बताया जाता तो कहानी थोड़ा सा और बेटर हो सकती थी गणपत की, क्योंकि काफ़ी बड़ी कास्ट है इसकी, अमिताभ बच्चन, टाइगर, कीर्ति, तो फिर एक उम्मीद सी रहती है पब्लिक को कि इनके एक्टिंग पे तो कोई सवाल नहीं उठा सकता है, कि सच बताया जाए तो टाइगर का डांस अच्छा है। सर, ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी है? जाके देखिए, एंजॉय कीजिए। 5 में से कितना स्टार देना पसंद करेंगे? 3.5। थैंक यू सो मच।